गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास 3 की जो एक्सरसाइज 1.1 चल रही थी उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आर से क्वेश्चन नंबर पी की तो कर लिए होंगे आपने, जिसमें डिजिटल सबट्रैक्शन थे, ज्यादा कुछ था नहीं। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर आर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आर में पहला क्वेश्चन है कि इन अ विलेज देयर आर 640 मैन, एक विलेज में 640 मैन है, 275 वुमेन है एंड 145 चिल्ड्रन है। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ दैट प्लेस, प्लेस की टोटल पॉपुलेशन क्या है। तो क्वेश्चन क्या है दोबारा सुन लीजिए। सबसे पहले आप जो भी क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसको अच्छे से रीड कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन जब तक समझ में नहीं आया, जब तक सॉल्यूशन समझ में नहीं आया, ठीक है। कह रहे कि गाँव है जहाँ पर कुछ मेल हैं, फीमेल हैं और बच्चे हैं। तीनों के आपको नंबर दे रखे हैं कि इतने इतने मेल हैं, इतने फीमेल हैं, इतने चिल्ड्रन हैं। तो आपको टोटल पॉपुलेशन उस गाँव में टोटल कितने लोग हैं वो बता दें, ठीक है। तो करते हैं इसको। तो नंबर ऑफ मेल है, नंबर ऑफ फीमेल है 275 एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 145। इनको जब प्लस करेंगे तो देखिए 5 और 5 10 कैरी 1, 4 और 4 8, 8 और 7 15 और 1 16 कैरी 1, 6 और 8 9 और 1 10। टोटल वहाँ पर कितने लोग हैं, 1060। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। देर आर 1000 स्टूडेंट इन स्कूल, एक स्कूल है जहाँ पर टोटल 1000 स्टूडेंट हैं। आउट ऑफ दिस 575 आर गर्ल्स, इसमें से 575 गर्ल्स हैं। तो आपको बताना है कि उस स्कूल में बॉयज कितने हैं, ठीक है। सिंपल टोटल स्टूडेंट दिए हुए हैं आपको। सोवन हैड 956 मार्बल, सोवन के पास 956 मार्बल है। हिज सिस्टर हैड 120 मार्बल मोर देन हिम, और उसकी जो बहन के पास उससे, यानी जो उसके भाई के पास है उससे 120 मार्बल और ज़्यादा है। तो आपको बताना कि दोनों के पास टोटल कितने मार्बल्स हैं, ठीक है। सिस्टर क्या नाम है उसका, सिस्टर इट सिस्टर हैड, ठीक है। उसके सिस्टर के पास कितने हैं, इससे 120 ज्यादा है, ये तो है ही, इससे 120 और ज्यादा है। ये हो गया 6 और 1 7 और ये 10, यानी 1076 उसके पास टोटल है। तो टोटल मार्बल्स कितने हो गए, 076 प्लस 606 12 कैरी 1 7.12 13 कैरी 1 9 1 10, 2032 मार्बल है टोटल उसके दोनों के पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सम ऑफ टू नंबर इज 595, दो नंबर का सम है 595 है, जिसमें से एक नंबर है आपका 302, फाइंड द अदर नंबर, ठीक है। तो सिंपल है इसका कि दो नंबर का सम 595 है, जिसमें से एक नंबर आपको दिया हुआ है
3 × 2 तो इसके लिए माइनस करेंगे तो दूसरा नंबर मिल जाएगा आपको 5 × 2 = 3, 9 × 0 = 9, 5 × 3 = 2। दूसरा नंबर क्या है 293 और इन दोनों का जब सम करेंगे तो आपका आएगा 595। क्वेश्चन नंबर 5, what should be added to 825 to make 900? कि आप 825 में कितना ऐड करेंगे कि आपका 900 बन जाए। तो सिंपल सा है कि 900 में से आप 825 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो नंबर आ जाएगा 10 × 5 = 5, 9 × 2 = 7, यानी 75 ऐड करेंगे आप जब जाके वो 900 बनेगा। क्वेश्चन नंबर एस में आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है 2 × 9 = 18 फर्स्ट में, सेकंड में 7 × 7 = 49, थर्ड में 10 × 4 = 40, फोर्थ में 4 × 7 = 28, फिफ्थ में 8 × 4 = 32, सिक्स में 9 × 8 = कितना होता है 9 × 8 = 72, सेवन्थ में 3 × 8 = 24, एट में 6 × 3 = 18। ठीक है, टी में भी आपको मल्टीप्लाई करना है, 12 को 1 से करेंगे तो 12 × 12, टेबल लाइन होनी चाहिए इसके लिए सबसे बेसिक चीज। सेकंड में 8 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × 8 आएगा उधर भी, थर्ड में भी 0 × 10 है तो इधर भी क्या आएगा 10 × 0, दोनों साइड बैलेंस होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इधर है 3 × 6 तो उधर होना चाहिए 6 × 3, इधर 7 × 9 है तो उधर होना चाहिए 9 × 7, सिक्स में 7 × 5 तो इधर होना चाहिए 5 × 7। ये था क्वेश्चन नंबर टी। अब क्वेश्चन नंबर यू देख लेते हैं, हाउ मेनी डेज आर देयर इन 10 वीक्स, 10 वीक में कितने डेज होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि 1 वीक में कितने डेज होते हैं, तो डेज इन 1 वीक कितने होते हैं 7। ठीक है, तो डेज इन 10 वीक में पूछ रहा है, 1 वीक में 7 तो 10 में कितने होंगे 10 × 7 कितना हो गया 70, 10 वीक में टोटल कितने डेज होंगे 70 डेज। सेकंड, एन इंसेक्ट है 6 लेग, एक इंसेक्ट है जिसके 6 लेग्स हैं, 6 पैर हैं, हाउ मेनी लेग्स डू 9 इंसेक्ट है, कि अगर आपका टोटल 9 इंसेक्ट है तो टोटल कितने लेग्स होंगे। इसका हो गया आपका फर्स्ट, सेकंड, लेग्स ऑफ वन इंसेक्ट। ठीक है, एक इंसेक्ट में कितने लेग हैं 6, और लेग्स ऑफ 9 इंसेक्ट, तो टोटल 9 इंसेक्ट कितनी लेग हो जाएंगी 9 × 6 = 54 लेग्स हो जाएंगी। ठीक है, जब एक इंसेक्ट की 6 है तो 9 की कितनी हो जाएंगी 54, 9 × 6 कितने होते हैं 54। थर्ड देख लेते हैं इसका, इसको भी रख देता हूँ मैं और डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके। थर्ड, हाउ मच इज 10 × 5 लेस देन 6 × 9, सबसे पहले आप 10 × 5 करेंगे तो 10 × 5 इट मीन्स 10 × 5 = 50, फिर है 6 × 9 तो 6 × 9 इट मीन्स 6 × 9 यानी 54, कितना कम है डिफरेंस कितने का है 54 − 54 का डिफरेंस है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4, देर आर 16 चेयर इन अ रो इन अ सिनेमा हॉल, एक सिनेमा हॉल में एक रो है जिसमें एक रो में 16 चेयर है, तो हाउ मेनी चेयर आर देयर इन 8 सच रो, ऐसी 8 रो है टोटल 8 उसमें कितनी चेयर है, तो चेयर इन 1 रो कितनी है 16, तो चेयर हो जाएगी आपकी टोटल चेयर्स इन 8 रो कितनी हो जाएगी 16 × 8 = 48, कैरी 4 × 8 = 12, तो ऐसी टोटल 8 रो में कितनी चेयर होंगी 128 चेयर टोटल आपको देखने को मिलेंगी 8 रो। ठीक है, ठीक हो।
क्वेश्चन में यू हो गया क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देख लीजिए कि राइट टू डिवीजन फैक्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन फैक्ट 3 × 5 = 50 इसका मैं बता देता हूँ बाकी आपको करेंगे बी का फर्स्ट है इसमें आपको बताना है कि राइट टू डिवीजन फैक्ट टू दो डिवीजन फैक्ट बताने हैं मतलब कैसे कि जब आप 15 को तो यहाँ पर 3 और 5 है जो 15 को आप 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 5 ठीक है यानी आंसर आएगा ये वाला और जब आप 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 3 यानी ये वाला तो ये दो डिवीजन फैक्ट्स हैं आपके ऐसे ही आपको सिंपली एक एक नंबर से डिवाइड करना है ऐसे ही डब्ल्यू में 20 / 4 = 5 यानी इस तरीके से दिया हुआ है 20 / 4 = 5 मल्टीप्लिकेशन फैक्ट बताना यानी जब आप 20 को 4 का डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 5 और जब आप 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20 ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है यानी जिस आप 20 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो मिल रहा है आपको 5 और जब आप 5 को इसी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 20 सेम चीज इस तरीके से आपको ये करना है आगे आंसर द फॉलोइंग 63 क्वेश्चन नंबर एक्स है 63 टॉफीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 7 चिल्ड्रन हाउ मेनी टॉफी डस ईच चाइल्ड गेट की टोटल 63 टॉफीज हैं और टोटल चिल्ड्रन है वो 7 हैं तो आपको ये बताना कि एक चिल्ड्रन के पास कितनी टॉफियां आएंगी 63 में जब आप 7 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9 यानी एक बच्चे के पास टोटल 9 टॉफी आएंगी हाउ मेनी मैंगो डू यू बाय फॉर ₹48 ईच मैंगो इज कॉस्ट ₹4 यानी एक मैंगो का प्राइस है वो ₹4 है और टोटल आपके पास ₹48 है ₹48 में आप कितने मैंगो खरीद कर सकते हैं तो 48 में जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12 यानी 12 मैंगो आप ले सकते हैं हाउ मेनी 50 पैसे कॉइन मेकर बीस 50 पैसे कॉइन मेकर बीस यानी 50 कितने आप 50 पैसे के सिक्के मिलाएंगे कि एक रुपये बनेगा तो 50 पैसे यानी आपको पहले ये पता होना चाहिए कि 1 रुपीस में कितने पैसे होते हैं तो 1 रुपीस में आपको पता है 100 पैसे होते हैं यानी 50 पैसे के आप जब 2 पॉइंट मिलाएंगे तब वो जाके 1 रुपीस बनेगा यानी आपको आएगा यहाँ पर 2 पॉइंट्स हाउ मेनी 25 पैसे कॉइन मेकर रुपीस सिमिलरली 25 पैसे के कितने पॉइंट मिलेंगे कि जब आपको 1 रुपीस बनेगा 1 रुपीस तो 1 रुपीस में आपको पता है 100 पैसे होते हैं और 25 में आप 4 × 25 रुपीस के कॉइन ऐड करेंगे जब जाके वो 1 रुपीस बनेगा ये भी हो गया हाउ मेनी 5 रुपीज नोट मेक रुपीज 10 यानी 5 रुपीज के कितने नोट मिलकर आपको 10 रुपये बनाएंगे तो यानी 2 नोट मिलेंगे 5 × 10 जब जाके वो 10 रुपीज बनेंगे हाउ मेनी 10 रुपीज नोट मेक 50 कितने नोट चाहिए आपको 10 रुपये के जब आपको टोटल 50 रुपये हो जाए तो आपको कितने नोट चाहिए 5 नोट चाहिए 10 रुपीज के जब जाके 50 बनेंगे 10 × 50 रवि बोट ए टॉय फॉर ₹300 रवि ने एक टॉय खरीदा 300 का एक पेन खरीदा 140 का और एक ही हैड 500 हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम इसको देख लेते हैं एक्स का 7 है टोटल मनी है उसके पास वो है 500 ठीक है कॉस्ट ऑफ टॉयज है 300 कॉस्ट ऑफ पेन है 140 यानी इसमें इतने खर्च कर दिए अब उसके उसके पास कितने रुपए बचे हैं ये बता रहा है तो क्या करेंगे दोनों पहले ऐड कर लेते हैं 044 यानी इतने रुपए उसने खर्च कर लिए अब रिमेनिंग कितने बचे हैं उसके पास रिमेनिंग के लिए टोटल में से हम जो खर्च किए उसने उसको हम माइनस करेंगे तो उसके पास बच जाएंगे ₹60 ठीक है यानी उसने इतने थे उसने इतने खर्च कर दिए बाकी उसके पास ₹60 अब बचे हैं एक्स तक थे आगे की वीडियो में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आज की वीडियो के लिए इतना ही बाकी जो इसके रिमेनिंग है वो आप खुद करेंगे जो मैंने छोड़ दिए हैं ठीक है बुक में भी कर सकते हैं बाकी आप नोटबुक है उसमें भी कर लीजिएगा बट ये है कि प्रैक्टिस कीजिए घर पे साथ में जो कराए हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिए बिना देखे उसके बाद खुद से सॉल्व कीजिए ठीक है किसी भी मोबाइल की आपको हेल्प नहीं लेनी है और उसके बाद जब आपका होमवर्क हो जाए तो आप स्कूल में आके उसको चेक करा सकते हैं ठीक है
तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।